Students, our today's topic is deduction in income tax. This video is very useful for BCom students, CA, CS, CMA, professional exam, and for those person who want to save tax. जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी इंडिविजुअल जो है इन पांच हेडों के अंदर ही अपनी इनकम को अर्न करता है. जैसे सैलरी सब जानते हैं. इसके लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना जरूरी है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब रेंट से इनकम. अगर आपको कोई मकान फ्लैट वगैरह रेंट पर उससे अगर आपको कोई इनकम मिल रही है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. पीजीबीपी का मीनिंग है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. किसी बिजनेस या कोई प्रोफेशनल पर्सन है उसको कोई इनकम मिल रही है. कैपिटल गेन का मतलब है कोई आपने ऐसी एसेट्स आप सोल्ड कर रहे हो जिसको आप नॉर्मली सोल्ड नहीं करते. जैसे आपने कोई लैंड बेची है, कोई बिल्डिंग बेची है, या गोल्ड वगैरह, शेयर वगैरह, तो ये सब चीज़ें कैपिटल गेन के अंदर आता है. और लास्ट जो हमारा टॉपिक था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अदर सोर्सेस. जो इनकम इन चार हेड के अंदर नहीं आती वो इसके अंदर आती है. इन सबको ऐड करके हमारी ग्रॉस इनकम होती है और उस वो टैक्सेबल होती है. बट गवर्नमेंट कहती है अगर आप कुछ एक्सपेंस करोगे तो हम आपको अलग से डिडक्शन देंगे. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक अलग अलग डिडक्शन के हेड है. इनमें अगर आप कुछ स्पेंड करो, कंट्रीब्यूट करो, डोनेट करो तो आपको डिडक्शन मिलेगा. जो उसके बाद जो बचेगी इनकम वो नेट टैक्सेबल इनकम होगी अंडर सेक्शन 80C, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. लगभग हर इंडिविजुअल इसको यूज कर सकता है जो टैक्स पे करता है और उससे अपने टैक्स में सेविंग कर सकता है. सेक्शन 80C जिसकी लिमिट मैक्सिमम 1,50,000 है. आप 150,000 तक अपनी सेविंग कर सकते हैं या स्पेंड कर सकते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी इस हेड के अंदर. और ये असेसमेंट ईयर 1920 के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको. इसमें सबसे पहले हमारा LIC प्रीमियम है. अगर आप LIC प्रीमियम पे कर रहे हैं, आपने कोई LIC की पॉलिसी ली अपने लिए, इंडिविजुअल, स्पाउस मतलब जीवन साथी, हस्बैंड वाइफ, और चिल्ड्रन डिपेंड हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई भी हो, अगर आपने उनके लिए कोई LIC ली और उसकी प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसके लिए डिडक्शन आपको 80C में मिलेगी. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन PF आपको पता है सबको, प्रोविडेंट फंड, उसमें जितना भी आप कंट्रीब्यूट करते हो उसकी डिडक्शन आपको 80C में मिलती है. कंट्रीब्यूशन इन NSE, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एक गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, इनमें अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगी. सुकन्या योजना कंट्रीब्यूशन, सुकन्या योजना में आप अपनी लड़की के लिए अगर कुछ प्रीमियम पे कर रहे हो, आपने सुकन्या योजना एक पॉलिसी होती है जो हम पोस्ट ऑफिस या बैंकों से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसके लिए डिडक्शन आपको 80C में मिलेगी. फिक्स्ड डिपॉजिट, FD कराई आपने मगर कम से कम 5 सालों के लिए, तो जितना भी आपने FD में पैसे डाला होगा 80C में आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी. वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड वो होता है, जैसे आप जानते हो कि हर एम्प्लॉय का 12% एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं PF में, जो मैंडेटरी है, जो गवर्नमेंट ने बोला है. बट आपके अगर घर पे ज़्यादा बर्डन नहीं है, आपके पास एक्सपेंस नहीं करते आप ज़्यादा, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, 12% के अलावा अगर कुछ और भी कंट्रीब्यूट करना चाहो आप, तो वो आता है, उसको हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड. रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन, आपने घर बनाने के लिए लोन लिया, लोन का जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो उसकी डिडक्शन आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मिलती है. बट जो लोन आप वापस कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट आप वापस कर रहे हो, उसकी डिडक्शन आपको 80C में मिलती है. PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक सेविंग स्कीम होती है. मिनिमम 15 ईयर के लिए अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में इसे डिपॉजिट कर रहे हो इस स्कीम में, तो आपको डिडक्शन 80C में मिलेगी. इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन NSE, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उस पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, बट उसकी डिडक्शन हमें किस में मिलती है, 80C में. म्यूचुअल फंड, आजकल लोग म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो म्यूचुअल फंड में जो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी डिडक्शन आपको एटीसी में मिलेगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अगर कोई पर्सन 60 ईयर से अबव है और वो बैंक में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट कर रहा है पैसे, तो उसको स्पेशली डिडक्शन मिलेगी एटीसी में। इसके अलावा ट्यूशन फीस, मैक्सिमम 2 children, जो आप स्कूल में फीस पे करते हैं, मेनली प्राइवेट जो स्कूल होते हैं उसमें जो ट्यूशन फीस होती है, लाइब्रेरी फीस, एंटरटेनमेंट, बाकी जो फीस है उनके अलावा जो ट्यूशन फीस होती है स्पेशली जो अलग दी होती है, उसकी डिडक्शन हमें एटीसी में मिलती है। अगर हम ये स्पेंड करते हैं इन पे या ये सेविंग करते हैं, तो मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है 150,000 हम अपनी ग्रॉस इनकम से लेस कर सकते हैं। ओके, चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे कोई एक पर्सन है, उसकी सैलरी कमिटेड है, आफ्टर ऑल एग्जेम्पशन जो है उसकी ग्रॉस सैलरी जो है 6 lakh है और वो कहीं और से अर्न नहीं कर रहा, तो अगर उसके कोई एक्सपेंस नहीं है इससे रिलेटेड एटीसी से, तो 6 lakh पे सीधा उसने टैक्स पे करना है। बट अगर उसने कुछ अमाउंट स्पेंड की हुई है, मान लीजिए उसने LIC प्रीमियम पे की अपनी वाइफ की, अपने सन की, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पीएफ में तो कंट्रीब्यूट करता ही है, 80,000 उसने कंट्रीब्यूट किए, सुकन्या योजना उसकी लड़की है छोटी उसके लिए उसने कंट्रीब्यूट किए हैं 12,000 पर एनम, इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन, कोई हाउस लोन है उसका उसको उसने रीपे किया, और एक FD कराई है 6 साल के लिए, तो इनको लेस करेंगे हम किसके अंडर, एटीसी के अंदर 2,10,000 2,05,000। बट मैंने आपको बताया था मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो कितने की है, 1,50,000 की। आप कितना भी स्पेंड करिए मगर 1,50,000 से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती। तो 1,50,000 अगर हम 6 lakh से लेस करते हैं, तो 6 lakh से अगर 150 लेस करते हैं तो हमारे पास जो बचते हैं 4,50,000, तो 4,50,000 टैक्सेबल होगा। जैसे आप नॉर्मल इंडिविजुअल है बिलो 60 उसकी एज है, तो 0 से 250 तक कोई टैक्स नहीं, 250 से 450 5%, मतलब कितनी इनकम उसकी है 2 lakh, 2 lakh का 5%, 2 lakh का 5% 10,000, और 10,000 पे 4% सेस देता हूँ, तो 10,000 का 4% 400, तो टोटल 10,400 वो टैक्स पे करेगा। बट अगर उसके सेविंग नहीं होती, वो ये स्पेंड नहीं करता, तो 6 lakh उसकी ग्रॉस इनकम थी, और 6 lakh में जो टैक्स पे करता 0 to 2,50,000 nil, 2,50,000 to 5 lakh 5% means 2,50,000 का 5% होता है हमारा 12,500, और 5 lakh से अबव जो उसकी इनकम है 6 lakh मतलब 1 lakh, और 1 lakh पर 20% हमारा 20,000, तो 32,500 टैक्स पे करता हो, टैक्स ड्यू होता 32,500, और उस पर हमारा 4% एजुकेशन सेस लगता है, और इस पर जो 4% एजुकेशन सेस होता वो हमारा 1,300, तो हम जो इस पे टैक्स पे करते 32 और आपका 33,800, तो 33,800 उसको टैक्स की पे करना पड़ता अगर वो इनकम अर्न कर रहा है 6 lakh। बट अगर वो ये स्पेंड कर रहा है, ये सेविंग कर रहा है अपनी, तो एक तो उसकी सेविंग भी हो रही है, LIC प्रीमियम में अपने आप को सिक्योर कर रहा है, अपने फ्यूचर के लिए सेव कर रहा है, और इसके अलावा उसका टैक्स केवल इतना ड्यू हो रहा है 10,400। तो ये एक जरिया है जिससे हम अपने आप सेविंग भी कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को अच्छा भी बना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड ATSI डिडक्शन से, बाकी डिडक्शन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, बट ATSI से डिडक्शन से रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है उसमें आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।